हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम ग्रेशम्स लॉ, ग्रेशम का जो नियम है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेशम का जो नियम है उसको मॉनेटरी प्रिंसिपल कहा जाता है, मौद्रिक सिद्धांत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी अर्थव्यवस्था जो होती है, किसी देश की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी जो है उसकी जो मॉनेटरी सिस्टम है, वहाँ की जो मुद्रा व्यवस्था होती है उससे संबंधित होता है। और ये जो नियम है वो 1558 में सर टॉमस ग्रेशम के द्वारा दिया गया था। और सर टॉमस ग्रेशम कौन थे? उस समय इंग्लैंड की जो क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उनके इकोनॉमिक एडवाइजर थे, आर्थिक सलाहकार थे। और ये नियम जो है वो एक तरह से क्या है कि लोगों में एक तरह से सामान्य प्रवृत्ति होती है कि वो क्या करते हैं कि जो भी अच्छी मुद्रा होती है उसको अपने पास में वो स्टोर करना चाहते हैं, और जो बुरी मुद्रा होती है, जो खराब होती है, उसको वो क्या करते हैं जनरल यूज के लिए एक तरह से सर्कुलेशन में उसी को रखते हैं, कहने का मतलब। तो ये लोगों में इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती हैं उसी पर ये जो हमारा सिद्धांत है वो आधारित है। और सिद्धांत क्या कहता है, डेफिनेशन क्या है इसकी, बेड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, कि जो किसी देश में जो बुरी मुद्रा होती है, जो इन्फीरियर कह सकते हैं उसको हम, या जो खराब मुद्रा होती है वो क्या करती है अच्छी मुद्रा को, जो गुड मनी है, अच्छी मुद्रा है, उसको एक तरह से क्या कर देती है सर्कुलेशन से बाहर कर देती है। जो खराब मुद्रा है बेड मनी, वो अच्छी मुद्रा को सर्कुलेशन से बाहर कर देती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेशम्स लॉ कहते हैं, ग्रेशम का नियम कहते हैं। अब देखिए, अगर इस नियम की हम हिस्ट्री अगर समझें कि जब इंग्लैंड में क्वीन बनी थी एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है, एलिजाबेथ फर्स्ट हैं, उन्होंने जब इंग्लैंड का शासन संभाला था, तो उस समय वहाँ पर क्या था कि जो चलन में मुद्रा थी वो घटिया किस्म की थी, बेड मनी चलन में थी, सर्कुलेशन में थी। तो ऐसी स्थिति में जो क्वीन थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने सोचा कि अगर इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में जो अच्छी मुद्रा है अगर उसको सर्कुलेशन में डाल दिया जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो खराब मुद्रा जो सर्कुलेशन में है वो अपने आप बाहर हो जाएगी। और ये सोचकर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया कि वहां पर अच्छी मुद्रा को चलन में डलवाने का प्रयास किया, या अच्छी मुद्रा जो होती है उन्होंने चलन में डलवाई सर्कुलेशन में। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ था कि जो अच्छी मुद्रा उन्होंने जो सर्कुलेशन में डलवाई थी वो ही गायब हो गई थी, और केवल जो सर्कुलेशन में जो पहले जो घटिया मुद्रा थी वो ही चलन में रह गई थी। अब ये जो प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस प्रॉब्लम को इसका जो सॉल्यूशन है उसको करने के लिए उन्होंने, जो उनके इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, आर्थिक सलाहकार सर टॉमस ग्रेशम थे, उनको बुलाया और उनको पूछा कि ये जो अच्छी मुद्रा जो सर्कुलेशन में डलवाई थी वो गायब कैसे हो गई। तो इसके लिए उन्होंने स्टडी की थी, और स्टडी करने के बाद में क्या बताया कि अगर किसी कंट्री में दो प्रकार की जो मुद्रा है अगर वो एक साथ चलन में होती हैं, दो प्रकार के मतलब एक अगर बेड मनी है और दूसरी गुड मनी है, तो दो प्रकार की मुद्रा अगर एक साथ चलन में होती हैं तो ऐसी कंडीशन में जो बेड मनी है, जो घटिया मुद्रा है, जो खराब मुद्रा है, बुरी मुद्रा है, वो क्या करेगी अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देगी। मतलब अच्छी मुद्रा जो है वो चलन से गायब हो जाएगी, चलन में सर्कुलेशन में कौन सी रहेगी, केवल जो घटिया किस्म की जो मुद्रा है वो ही रहेगी। अब यहाँ पर हम देखें कि ये घटिया, हम कह रहे हैं कि जैसे एक तो होती है बेड मनी और दूसरी होती है गुड मनी, तब ये बेड मनी और गुड मनी क्या है पहले हम इसको समझ लेते हैं। अगर हम गुड मनी की बात करें तो गुड मनी एक तरह से क्या होती है, फुल बॉडी कॉइन होते हैं एक तरह से, ठीक है, मतलब ऐसी मुद्रा जिसकी वैल्यू एक तरह से क्या होती है स्टेबल होती है, स्थिर होती है, उनमें ज़्यादा कोई फ्लक्चुएशन नहीं आता है, और जो उसकी फेस वैल्यू होती है या इसकी जो नॉमिनल वैल्यू है और जो कमोडिटी वैल्यू है वो दोनों क्या होती हैं सेम होती हैं, या इनमें जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम से कम होता है। तो इस प्रकार की जो मनी उसको हम कहेंगे गुड मनी। अच्छी मुद्रा क्या होती है, जिसका जो भी मूल्य उसके ऊपर अंकित है और वास्तविक वस्तु मूल्य जो उसका है वो समान होते हैं, या इनमें एक तरह से अंतर क्या होता है बहुत ही कम होता है, इस प्रकार की जो मनी है उसको हम कहते हैं गुड मनी। और दूसरी बेड मनी, बेड मनी क्या होती है,
ऐसी मुद्रा जो एक तरह से क्या होती हैं, ओवर वैल्यूड होती हैं, या धीरे धीरे उनका जो वैल्यू है वो क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती हैं, उसकी वैल्यू में एक तरह से डिप्रिसिएशन आ जाता है, या अंडरवेट कॉइन्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक तरह से बेड मनी कह सकते हैं। तो बुरी मुद्रा का मतलब हो गया ऐसी मुद्रा जिसमें या तो मिलावट किसी प्रकार की, या उसमें जो मेटल लगा हुआ है उसमें डिप्रिसिएशन आने से उसकी वैल्यू एक तरह से क्या हो गई है, कम हो गई है। तो जब किसी इकोनॉमी में दोनों प्रकार की मुद्राएं होती हैं, बेड मनी भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं, गुड मनी और बेड मनी अगर दोनों एक साथ में चलन में होती हैं, तो ग्रेशम ने अपनी स्टडी से क्या रिजल्ट निकाला था कि जो बुरी मुद्रा होती है, बेड मनी होती है, वो अच्छी मुद्रा को, जो गुड मनी है, उसको सर्कुलेशन से बाहर कर देती हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेशम लॉ कहते हैं, ग्रेशम का नियम कहते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि अगर किसी इकोनॉमी में जो बेड मनी है, बुरी मुद्रा होती है, वो अच्छी मुद्रा को सर्कुलेशन से बाहर कर देती हैं, तो ये मुख्य रूप से इसका जो बेस है वो एक तरह से क्या है कि किसी मुद्रा को बनाने के लिए जो भी मेटल यूज़ किया जाता है, जो मिंटेड कॉइन्स होते हैं, जिन सिक्कों को ढाला जाता है, और उसमें जो सिक्के लगे, जो उसमें धातु लगी हुई, जो मेटल लगा हुआ है, उसकी एक तरह से वैल्यू क्या है, उसके ऊपर डिपेंड है कि उसकी जो मेटल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, टाइम टू टाइम कम ज़्यादा होती रहती हैं, कि जनरली जैसे अगर हम डेली उनका यूज़ करते रहते हैं तो उनकी जो डेप्रिसिएशन होता है, उसकी जो वैल्यू है, घिसावट के कारण एक तरह से क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी इकोनॉमी में क्या होता है कि जो मेटल है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो जो नई करेंसी होती है उसमें जो मेटल लगा हुआ है वो एक तरह से उसका जो वजन है, वेट जो है, उसका एक तरह से क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जो पहले से काम में ली जा रही है अगर उसका लगातार यूज़ किया जाता है तो उसका जो घिसावट होता है, डेप्रिसिएशन होता है, उसका जो वजन है वो एक तरह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, जब अपने पास में मनी को स्टोर करते हैं तो कौन सी मुद्रा जो है अपने पास में स्टोर करना चाहेंगे, जिसका वेट क्या है, ज्यादा है, जिसका वजन क्या है, ज्यादा। ज्यादा वजन किसका होता है, जनरली जो नई मुद्रा होती है, जो अच्छी मुद्रा होती है, उसका वजन एक तरह से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, जब स्टोर करते हैं तो अपने पास में अच्छी मुद्रा को, जो गुड मनी है, उसको अपने पास में स्टोर करने लग जाते हैं, और जो वेट मनी है, जिसका वजन एक तरह से क्या है, कम है, या जिसमें जो मेटल लगा हुआ है, अगर किसी कारण अगर उनकी जो वैल्यू है अगर कम हो जाती है, तो उसको अपने पास में वो कम रखना पसंद करेंगे। अब सर टॉमस ग्रेशम जो है वो क्या कहते हैं, इफ़ देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ कमोडिटी मनी इन सर्कुलेशन, कि अगर किसी कंट्री में दो प्रकार की मुद्राएं अगर चलन में होती हैं, कौन कौन सी, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया कि सिल्वर और कॉपर, दो प्रकार के जो मनी है वो सर्कुलेशन में है, विच आर एक्सपेक्ट बाय लॉ एज हैविंग सिमिलर फेस वैल्यू, और दोनों की जो फेस वैल्यू है वो क्या है, सिमिलर है, या गवर्नमेंट ने उसको डिटरमिन कर रखा है कि दोनों की फेस वैल्यू सेम है, चाहे वो सिल्वर है चाहे वो कॉपर है, कि जैसे इन दोनों का जो रेशियो है माना कि वो कितना है, 1 silver coin is equal to 15, ठीक है, अगर ये उसकी वैल्यू गवर्नमेंट ने जो है डिटरमिन कर रखी है। फिर अब लोग क्या करेंगे, तो इनमें से जिसकी जो ज़्यादा वैल्यूबल मनी है जिसकी है, जिससे हम मान लेते हैं कि जो सिल्वर और कॉपर है उसमें से ज़्यादा वैल्यू जो है वो किसकी है, सिल्वर की है, या अगर इकोनॉमी में जो सिल्वर है उसकी प्राइस एक तरह से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो सिल्वर की प्राइस बढ़ने से लोग क्या करेंगे, अपने पास में सिल्वर जो है उसके कॉइन जो है उसको अपने पास में वो स्टोर करने लग जाएंगे, और जब सिल्वर को वो अपने पास में स्टोर करने लग जाएंगे तो बाहर सर्कुलेशन में जो है वो कौन सी रहेगी, केवल कॉपर ही रहेगी। या अगर हम कहें कि अगर इकोनॉमी जो है उसमें ऐसा हो जाए कि जो कॉपर है उसकी प्राइस क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो कॉपर की प्राइस बढ़ने से लोग क्या करेंगे, अब कॉपर की जो मनी है, जो उसके जो सिक्के हैं, लोग उसको अपने पास में स्टोर करेंगे, क्योंकि उसकी प्राइस एक तरह से क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो प्राइस बढ़ने से अगर उनके पास में सिल्वर के कॉइन हैं तो भी वो उसको चेंज करा लेंगे किसमें, कॉपर के कॉइन्स में, ताकि उनको पहले के कंपैरिजन में अब जो मिलेगा वो बदले में ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कॉपर की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग क्या करेंगे, कॉपर को अपने पास में स्टोर करने लग जाएंगे, और जिससे कॉपर की जो सिक्के हैं वो एक तरह से सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे, सर्कुलेशन में कौन से रहेंगे, केवल सिल्वर के रहेंगे। अगर लोगों ने अपने पास में सिल्वर के पहले से इकट्ठे कर रखे हैं तब भी वो क्या करेंगे, मार्केट में उसको बेचकर उससे वो कॉपर को परचेस कर लेंगे, क्यों, क्योंकि कॉपर की प्राइस क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी इकोनॉमी में दो प्रकार की जो करेंसी है अगर वो एक साथ चलन में होती है
तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती हैं लोग उसको अपने पास में स्टोर करेंगे, और जो दूसरी करेंसी हैं, जो दूसरी मुद्रा हैं, वो सर्कुलेशन में बनी रहती हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, ग्रेशम का नियम कहते हैं, ग्रेशम्स लॉ। आगे समझ में आता है। अब इसको हम आगे और समझने का प्रयास करते हैं। व्हेन देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ कमोडिटी मनी इन सर्कुलेशन विच आर एक्सेप्टेड बाय लॉ एज लीगल टेंडर एंड द सेम फेस वैल्यू, जो हमने अभी पढ़ा था वो ये कि अगर किसी कंट्री में दो प्रकार की जो मुद्राएं हैं अगर वो चलन में होती हैं और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी जो फेस वैल्यू डिटरमिन की है वो दोनों की कितनी है, सेम है, तो ऐसी कंडीशन में द मोर वैल्यूएबल वन गुड मनी विल बी होल्डेड। लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, जिसको हम क्या कहेंगे, गुड मनी कहेंगे, उसको लोग क्या करेंगे, अपने पास में जमा करने लग जाएंगे, अपने पास में उसको वो स्टोर करने लग जाएंगे, और जब जो अच्छी मुद्रा है लोग उसको अपने पास में जमा करने लग जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में ये जो मुद्रा है जिसको लोग अपने पास में जमा कर रहे हैं वो सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगी, और सर्कुलेशन में जो है वो कौन सी रहेगी, जिसकी वैल्यू कम है, ठीक है, वही चलन में रहेगी। इसी को हम कहते हैं ग्रेशम का नियम। अब देखिए ये जो हमारे सिद्धांत है वो बाजार में कैसे लागू होता है, किसी कंट्री में किस प्रकार से ये लागू होता है, व्हाई डज द लॉ ऑपरेट, तो इसके तीन रीजन उन्होंने बताए हैं, ग्रेशम ने तीन कारण बताए हैं जिसके कारण से कि जो घटिया मुद्राएं होती हैं वो चलन में रहती हैं। तो सबसे पहला क्या कारण है, होर्डिंग। होर्डिंग मतलब कि जमा करना, कि लोग अगर कुछ सेविंग करते हैं, तो जब लोग सेविंग करते हैं तो उनमें सामान्य रूप से क्या प्रवृत्ति रहेगी, कि वो किस प्रकार की जो मुद्रा है उसको अपने पास में जमा करना पसंद करेंगे, जिसका वजन पूरा है, पूरे वजन की मुद्रा है, या जिसको हम क्या कहते हैं एक तरह से गुड मनी जो होती हैं उसको ही लोग क्या करेंगे, अपने पास में जमा करेंगे, और जब लोग अच्छी मुद्रा है उसको अपने पास में जमा करेंगे, इसका मतलब जो घटिया मुद्रा है, जो बेड मनी है, वही क्या होगी, केवल सर्कुलेशन में रहेगी। इसलिए हमारा जो ये सिद्धांत है, ग्रेशम्स जो लॉ है वो नियम काम करता है। तो फर्स्ट रीजन क्या हो गया हमारा, व्हाई डज द लॉ ऑपरेट, फर्स्ट रीजन क्या है, होर्डिंग। लोग क्या करते हैं, जो अच्छी मुद्रा होती है उसको अपने पास में जमा करने लग जाते हैं, उसका वो स्टोर करते हैं। दूसरा है मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब गलाना, कि यदि जो मेटल है उसकी वैल्यू अगर बढ़ जाती है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो लोग क्या करते हैं, उसको गलाकर उसको फिर बेचने लग जाते हैं और लाभ कमाते हैं। कि जैसे ये मेटल है, ये माना कि 5 रुपए का एक सिक्का है, अब इसमें जो मेटल लगा हुआ है उसकी वैल्यू माना कि बढ़ जाती है, अब बढ़कर जैसे 10 रुपये हो गई हैं, तो लोग क्या करेंगे, ये जो सिक्का है उसको वो गलाने लग जाएंगे, और गला कर बेच के फिर क्या करेंगे, वो प्रॉफिट कमाएंगे, लाभ कमाएंगे। अब लाभ कमाने के लिए क्या जरूरी है, कि जो सिक्के वो अपने पास में स्टोर कर रहे हैं वो एक तरह से क्या होना चाहिए, उनमें एक तो नया होना चाहिए, और दूसरा कि उनका जो वजन है वो पूरा होना चाहिए, तभी उनका जो लाभ है वो बढ़ सकता है। तो लोग अब देखो, पुराने सिक्कों को अगर अपने पास में स्टोर करेंगे तो क्या होगा, पुराने सिक्कों का तो वजन क्या होगा, एक तरह से कम होगा, लेकिन जो नए सिक्के होते हैं उनका वजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जो नई मुद्रा होती है लोग उसको क्या करते हैं, अपने पास में स्टोर करते हैं, ठीक है, स्टोर भी कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। दूसरा कि जब उनकी मार्केट प्राइस बढ़ जाती है तो उसको बेच कर वो लाभ भी कमा सकते हैं, ठीक है, तो ये दूसरा रीज़न हो गया हमारा। और तीसरा हमारा क्या है, फॉरेन पेमेंट, कि विदेशी भुगतान जो है उसको करने के लिए भी जो लोग वो क्या करते हैं, अच्छी मुद्रा का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो जब अच्छी मुद्रा का यूज़ करेंगे तो उसके लिए विदेशी भुगतान जो फॉरेन पेमेंट उनको करने के लिए उनको कम मुद्रा की आवश्यकता होगी, कम मुद्रा में वो अधिक भुगतान कर सकते हैं। यदि अगर वो फॉरेन पेमेंट कर रहे हैं, अगर वो पुरानी मुद्रा से करेंगे, घिसी हुई मुद्रा से, बेड मनी से अगर करेंगे, तो उनको अधिक मात्रा में भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रेशम का जो नियम है वो क्यों लागू होता है, उसके उन्होंने तीन कारण बताए थे, होर्डिंग, मेल्टिंग और फॉरेन पेमेंट। अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ द लॉ, कि जो ग्रेशम का नियम है उसका कहाँ कहाँ पे वो लागू होता है, उसकी क्रियाशीलता का क्षेत्र कौन कौन सा है। तो सबसे पहला हमारा है अंडर मोनोमेटालिज्म मनी सिस्टम, कि यदि किसी देश में मोनोमेटालिज्म सिस्टम है, एक धातुमान प्रणाली है, जिसमें जो मनी सिस्टम है या तो वहाँ पर गोल्ड या फिर सिल्वर से रिलेटेड जो भी कॉइन्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, मतलब सोने या चांदी किसी एक
प्रकार की धातुओं की मुद्राएं चलन में होती हैं, और छोटे छोटे अगर पेमेंट करने होते हैं तो उसके लिए कोई जो घटिया मुद्रा होती हैं, जो घटिया धातु हम कह सकते हैं, उसके जो भी कॉइन्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो ग्रेशम का जो सिद्धांत है वो इन दोनों प्रकार के जो मनी सिस्टम है उसमें लागू हो सकता है। अगर किसी कंट्री में जो मुद्रा चलन में है, चाहे वो सिल्वर है चाहे वो सोना है, तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे, इनमें से जो पूरे वजन की मुद्राएं हैं उनको वो क्या करते हैं, संग्रह करेंगे अपने पास में, या फिर उनको वो गलाकर लाभ कमा सकते हैं, या फिर विदेशी भुगतान अगर करना है तो उसको काम में लेकर जो घटिया हैं उन्हीं को वो चलन में रखते हैं। कहने का मतलब विदेशी भुगतान अगर करना है तो वो जो अच्छी मुद्रा है जिसका वजन पूरा है उसी को वो यूज करेंगे। दूसरा हमारा है अंडर बायमेटलिज्म मनी सिस्टम। तो यदि किसी अर्थव्यवस्था में द्विधातुमान दो धातुओं की अगर सिक्के या दो धातुओं की जो मुद्रा है वो चलन में होती है, माना कि किसी कंट्री में सोने के सिक्के भी चलन में हैं और दूसरा चांदी के सिक्के भी चलन में हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा इनकी जो भी एक्सचेंज रेट निर्धारित की जाती हैं, माना कि जैसे एक्सचेंज रेट कितनी है, सोने की 1 यूनिट और सिल्वर की 10 यूनिट जो है वो इक्वल है, तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे, जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी उसी का वो क्या करेंगे, स्टोर करेंगे अपने पास में, संग्रह करेंगे। जिस मेटल की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है उसको अपने पास में वो स्टोर करेंगे, उसको अपने पास में वो गला सकते हैं, गलाने के लिए रख सकते हैं, या फिर अगर उनको फॉरेन पेमेंट करना है तो फॉरेन के पेमेंट करने के लिए भी उसका वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम मान लेते हैं कि ये दो प्रकार की जो मेटल है उनका अगर यूज़ किया जाता है, और अगर किसी एक मेटल का जो जैसे ये हमारा है गोल्ड है और ये हमारी है सिल्वर है, और इनका गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो एक्सचेंज रेट है वो कितनी डिटरमिन कर रखी है, 1 यूनिट गोल्ड इज इक्वल टू 10 यूनिट ऑफ सिल्वर। अब मान लेते हैं हम कि इकोनॉमी जो है उसमें सिल्वर की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, चांदी की जो प्राइस है वो एक तरह से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और गोल्ड की जो वैल्यू है या गोल्ड की जो प्राइस है वो क्या हो जाती है, कम। गोल्ड की प्राइस तो कम हो गई है और सिल्वर की प्राइस क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो सिल्वर की प्राइस बढ़ने से लोग अब क्या करेंगे, सिल्वर जो है अपने पास में वो स्टोर करेंगे, या जिनके पास में वो गोल्ड है उसको बेच के भी वो क्या करेंगे, सिल्वर के जो कॉइन्स है उनको लेना चाहेंगे। मतलब अच्छी प्रकार की जो जिसकी मार्केट वैल्यू एक तरह से क्या हो गई, बढ़ गई, लोग उसको क्या करेंगे, अब अपने पास में रखना पसंद करेंगे। मतलब अब लोग क्या करेंगे, इसकी प्राइस अगर बढ़ गई सिल्वर की तो वो अपने पास में क्या रखना करें, स्टोर किसका करेंगे, वो सिल्वर का। जिसका मतलब कि जो सिल्वर है वो सर्कुलेशन से गायब हो जाएगी, और केवल जो सर्कुलेशन है वो किस प्रकार की रहेगी, जो गोल्ड के कॉइन्स है वही रहेंगे। इसका अपोजिट कि अगर गोल्ड की जो प्राइस है वो अगर इंक्रीज हो जाती हैं तो गोल्ड की प्राइस बढ़ने से अब लोग क्या करेंगे, जिनके पास में सिल्वर के कॉइन्स है वो भी क्या करेंगे, गोल्ड के प्राइस से गोल्ड के जो कॉइन्स है उसको वो परचेस करेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि जिसकी प्राइस बढ़ती है लोग क्या करते हैं, उसको अपने पास में स्टोर करने लग जाएंगे, और वो जो मुद्रा है जिसका वो स्टोर कर रहे हैं वो सर्कुलेशन से गायब हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है अंडर पेपर स्टैंडर्ड। अगर किसी देश में जो पत्र मुद्रा मान है, पेपर स्टैंडर्ड जो है, अगर वो चलन में होता है तो उसमें वैसे कोई ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन सामान्यतः अगर हम देखते हैं, क्योंकि देखो जो पेपर मनी होती है उसको ना तो उसको हम गला सकते हैं, ठीक है, और ना ही दूसरे देशों को अगर भुगतान करना उसके लिए उपयोग किया जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पे व्यावहारिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार की जो स्थिति है उसमें भी ये नियम जो हमारा वो काम कर सकता है। अब कैसे काम कर सकता है, सामान्यतः लोग अगर हम देखते हैं कि दो जो नोट चलन में जैसे भारत में है, एक तो नए नोट है जैसे और एक पुराने नोट हैं, अब लोगों में क्या प्रवृत्ति रहती है कि दोनों में से जो नए नोट हैं जो अच्छे हैं वो उनको अपने पास में रखना पसंद करते हैं। तो जब उनके पास में पुरानी मुद्रा होगी उसको तो वो क्या करेंगे, लेन देन करने के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करने लग जाएंगे, लेकिन जो नई करेंसी है, जो नई मुद्रा है, जो नए नोट है वो अपने पास में रखना पसंद करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जब किसी कंट्री में पेपर स्टैंडर्ड जो पत्र मुद्रा मान्य अगर वो चलन में होता है तब भी ग्रेशम का जो नियम है वो क्रिया होता है, ठीक है। सामान्यतः भारत के संदर्भ में भी अगर हम देखते हैं तो लोगों के पास में अगर जो नए नोट होते हैं और पुराने होते हैं तो नए नोट को वो अपने पास में रखना पसंद करते हैं, जबकि लेन देन करने के लिए जो पुराने नोट है उन्हीं का वो प्रयोग करते हैं।
और लास्ट हमारा है अंडर बोथ पेपर स्टैंडर्ड एंड मेटलिज्म। यदि किसी कंट्री में दोनों प्रकार की मुद्रा है, पेपर पत्र मुद्रा भी है और मेटल मनी जो धातु मुद्रा है, दोनों अगर एक साथ में चलन में होती हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा कि अगर मेटल की प्राइस अगर बढ़ जाती है, तो मेटल की प्राइस बढ़ने से क्या होगा, लोग क्या करेंगे कि जो मेटल की जो करेंसी है, मेटल की जो मुद्रा है, उसको अपने पास में वो स्टोर करेंगे या फिर उसको गलाना प्रारंभ कर देंगे और फिर उसको बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो मेटल की करेंसी है, मेटल की जो मुद्रा है, वो धीरे धीरे सर्कुलेशन से गायब हो जाएगी और चलन में जो वो क्या रहेगी, केवल जो पेपर मनी है, क्योंकि पेपर मनी जो होती है उसकी रियल वैल्यू एक तरह से क्या होती है, जीरो होती है, इसलिए चलन में कौन सी रहेगी, केवल पेपर मनी ही रहेगी। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस का मतलब हो गया कि ग्रेशम का जो नियम है उसके कौन कौन से अपवाद हैं या ऐसी कौन सी दशाएं हैं जब ये नियम जो होता है वो लागू नहीं होता है। तो सबसे पहला हमारा है व्हेन द टोटल क्वांटिटी ऑफ करेंसी इज लिमिटेड, कि यदि किसी कंट्री में मुद्रा की जो मात्राएं अगर सीमित होती हैं तो लोगों को अपने ट्रांजेक्शन पूरा करने के लिए मुद्रा की आवश्यकता होगी, तो जो सारी मुद्राएं पहले से एक तरह से क्या है, कम है, तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे, उस मनी को अपने पास में स्टोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मनी जो है उस कंट्री में एक तरह से क्या है, लिमिटेड ही है। तो इसी कंडीशन में ये जो हमारा नियम है वो लागू नहीं होगा, ठीक है, एप्लीकेबल नहीं होगा, ये लिमिटेशन हो गई है। फिर दूसरा हमारा है व्हेन द बैड मनी सो बैड, कि अगर जो बुरी मुद्रा है वो बहुत ही खराब हो गई है, मतलब इतनी खराब हो गई कि लोग अब क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करने के लिए उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे माना कि जो सिक्के हैं वो बहुत घिस गए हैं या जो नोट हैं वो बहुत फटे पुराने हैं, तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे, उनको ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति उसको लेना नहीं चाहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो खराब मुद्रा है वो अपने आप ही चलन से बाहर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी ग्रेशम का जो नियम है वो लागू नहीं होगा। फिर हमारा है डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी, कि जब किसी कंट्री में जो बैंकिंग फैसिलिटी है अगर उसका विकास बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में लोग क्या करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन बहुत कम करेंगे, वहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होगा वो किसमें होगा, चेक हो सकता है या फिर जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उनका वो ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो अच्छी मुद्रा है, बुरी मुद्रा है, उनमें हम डिफरेंस भी नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि लेन देन ट्रांजेक्शन करने के लिए जो कैश मनी है उसका तो यूज़ नहीं हो रहा है। बैंकिंग अगर से जो फैसिलिटी है अगर उसका ज़्यादा यूज होता है, लोग ट्रांजेक्शन करने के लिए जो ऑनलाइन पेमेंट मेथड होती है उनका अगर वो यूज़ करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके अगर वो पेमेंट करते हैं तब। और लास्ट हमारा है व्हेन डिफरेंट करेंसी हैव डिफरेंट मोटिव, कि किसी देश में अलग अलग करेंसी जब चलन में होती हैं तो उनके जो उद्देश्य होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। अगर टोकन कॉइन्स अगर हैं या फिर जो स्टैंडर्ड मनी है, दोनों अगर साथ साथ में प्रचलित होती हैं, तब भी हमारा ग्रेशम का जो नियम है वो लागू नहीं होता है, क्यों, क्योंकि एक तरह से जो टोकन कॉइन्स है वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, भारत के संदर्भ में जो सिक्के हैं, जैसे 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है, तो उनके द्वारा क्या होता है, छोटे छोटे जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको पूरा करने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। और जब बड़े पैमाने पर अगर कोई ट्रांजेक्शन किया जाता है तो उसके लिए जो बड़ी मुद्रा होती है, जो कागजी मुद्रा है, पेपर मनी है, उसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रेशम का सिद्धांत है उसकी बहुत सारे लिमिटेशंस ही हैं। और आज के युग में अगर हम देखते हैं, ठीक है, करंट टाइम में, तो करंट टाइम में एक तरह से जो ग्रेशम का जो सिद्धांत है उसका कोई महत्व नहीं है। इसका जो महत्व था वो पुराने समय में था, क्योंकि आज के समय में मॉडर्न टाइम में अगर हम देखते हैं तो मुद्रा के साथ साथ में लोग एक तरह से क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है वो भी करने लगते हैं।